हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट शेयर इट। गाइस, कल लाइव सेशन में हमने बात की थी ईबे के बारे में कि ईबे की तरफ से अपडेट है कि 14 तारीख से ईबे बंद हो रहा है, तो काफ़ी सारे सेलर परेशान हो गए। मैं भी काफ़ी परेशान हो गया बिकॉज़ जो हमारे पास ईबे के सेलर अकाउंट है, हम लोग टोटली उन पर ही डिपेंड थे। ठीक है, तो कल शाम को ईबे ने एक और अपडेट, एक मेल भेजी है सभी सेलर्स को। आई थिंक आप लोगों के पास भी आ गई होगी। अगर आपने आप लोगों के पास नहीं आई है तो आप अपना मेल बॉक्स चेक कर लीजिए, सभी के पास आई है। हो सकता है आपने रीड ना करी हो, और अगर आपने रीड करी है तो बहुत अच्छी बात है। उस मेल में सेम वही सब लिखा हुआ है कि 14 तारीख के बाद से वो ऑर्डर नहीं लेंगे, लाइक 14 तारीख को ईबे बंद हो रहा है, इस टाइप से कुछ लिखा है। लेकिन एक खास अच्छी बात ये है, उन्होंने इस मेल में ये लिखा हुआ है, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया था एक साल पहले ईबे को, तो वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने बताया है कि अब फ्लिपकार्ट ईबे को वापस लेके आएगा बहुत ही अच्छी वेबसाइट के रूप में, जो अभी ईबे था उससे भी बेटर वेबसाइट के रूप में लाएगा। देखिए, अब वो किस रूप में लाते हैं, उनके लिए वो बेटर हो सकता है, तो पता नहीं वो सेलर के लिए भी बेटर होगा या नहीं होगा। बिकॉज़ सब लोगों का देखने का नज़रिया अलग अलग है। कुछ लोग ईबे को बोलते हैं बहुत बेकार है, कुछ लोग अमेज़ोन को बोलते हैं, कुछ पेटीएम को बोलते हैं, कुछ स्नैपडील को बोलते हैं। लेकिन देखा जाए कि ऑलरेडी काफ़ी सारे सेलर सभी वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबके ऊपर डिपेंड करता है किसको क्या समझ में आ जाता है, किसको क्या पॉलिसी समझ में आ जाती है। अब जो ये फ्लिपकार्ट वाले हैं, फ्लिपकार्ट है जो भी कंपनी है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा है कि शाइनर वेबसाइट, बेटर एंड शाइनर वेबसाइट वापस आएगी हमारे पास। कब आएगी ये नहीं बताया है, बस ये बता दिया इन्होंने कि 14 तारीख के बाद से आप ऑर्डर नहीं ले सकते, आई थिंक 13 तारीख के बाद से नहीं ले सकते। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी ऑर्डर्स आएंगे सेलर्स को, वो 13 तारीख तक फुलफिल करने हैं। जितने भी ऑर्डर्स आएंगे 13 तारीख तक फुलफिल करने हैं। और कुछ और चेंजेस कर दिए अकाउंट्स के अंदर, उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए, आप ये मेल पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो ये है कि जो बायर है ना, वो रिप्लेसमेंट के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो क्या कहते हैं, रिफंड के लिए क्लेम करेंगे। ठीक है, जो भी बायर क्लेम करेगा वो रिफंड के लिए करेगा, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट आप करते थे बायर को, तो ध्यान से बेचिएगा उसको, क्योंकि अगर बायर को कोई भी इशू हुआ उस प्रोडक्ट के अंदर, तो बायर सीधा ही रिफंड के लिए डालेगा और उसको रिफंड दिया जाएगा और वो प्रोडक्ट आपके पास उठा के ला के दिया जाएगा आपको वापस। ठीक है, दूसरा थोड़ा टाइमलाइन में चेंजेस कर दिया है। पहले जो आपको 3 दिन मिलते थे अपना प्रोडक्ट रेडी टू शिप करने के लिए, अब वो डेट ऑफ ऑर्डर से 1 दिन मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो आपको आइटम नॉट रिसीव का केस जो बायर करता था कि मुझे आइटम नहीं मिला है, 30 दिन तक कर सकता था, अब वो 15 दिन तक कर पाएगा। 15 दिन के बाद अगर बायर बोलता है कि मुझे आइटम नहीं मिला है, तो वो वैलिड नहीं रहेगा बायर का केस, ठीक है। और जो एक ये इन्होंने लिखा है टाइमलाइन टू रेज आइटम नॉट रिसीव, आइटम नॉट रिसीव का मैंने आपको बता दिया। आइटम नॉट एज डिस्क्राइब, जैसे कभी कभी क्या होता है, बायर प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और क्लेम करते हैं कि जैसा हमने परचेज किया था हमें वैसा नहीं मिला है, तो पहले 10 दिन तक क्लेम कर सकते थे बायर, अब सिर्फ 5 दिन तक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या है, ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है क्या था कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से ईबे को देख रहा था कि धीरे धीरे करके चेंजेस हो रहे थे ईबे के अंदर। कुछ चेंजेस अच्छे हो रहे थे और कुछ चेंजेस बहुत ही ज़्यादा बुरे हो रहे थे सेलर के लिए, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ मैं कि कुछ चेंजेस अच्छे थे और कुछ बुरे थे, ठीक है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ईबे पे हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईबे अपने अंदर चेंजेस तो कर रहा था, तो लेकिन जहाँ तक उनको लगता था कि वो एक रनिंग वेबसाइट के साथ चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं डेली के डेली उनको, क्योंकि हमें लगता है कि एक सामने वाली कंपनी ने वेबसाइट बना दी और वो पैसा कमा रही है, लेकिन बैकएंड में उनको बहुत काम होता है। सेलर अलग गालियां दे रहे होते हैं, बायर जो जिन बायर को रिफंड नहीं मिलता वो बायर अलग से कंप्लेन कर रहे होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट तक जाते हैं बायर ईबे के लिए या अमेजोन के लिए या सभी वेबसाइट्स के लिए, तो उनके पास बहुत सारा काम होता है, प्लस उनका स्टाफ होता है वो भी उनको देखना होता है, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि एक रनिंग वेबसाइट के साथ वो उसको अपने चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, तो लास्ट डिसीजन इन्होंने यही लिया है कि हम इस वेबसाइट को रोक देते हैं,
स्टॉप कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम बैकएंड में चेंजेस करते रहेंगे और जब पूरा प्रिपेयर हो जाएगा तो हम वापस से आएंगे। अब ये पता नहीं नए नाम के साथ आते हैं या ebay.in के साथ ही आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं mintcart.com के साथ आएंगे, कुछ कह नहीं सकता मैं क्योंकि मैंने जस्ट गूगल किया था तो mintcart.com तो डोमेन अभी भी अवेलेबल है, किसी ने बाय नहीं किया हुआ अभी तक, लाइक किसी ने बाय करके आगे रीसेल पे लगाया हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी वापस आ सकते हैं, लेकिन इस मेल से, इस मेल में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये वापस आएंगे, कब आएंगे ये नहीं पता लेकिन वापस आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, एज वी मूव अहेड इन आवर जर्नी वी हैव एन एक्साइटिंग अपडेट टू शेयर विद यू, फ्लिपकार्ट विल सून रिप्लेस ebay.in विद अ बेटर एंड शाइनर वेबसाइट। तो ebay.in को रिप्लेस कर देगा, इट मीन शायद किसी दूसरे नाम के साथ आएगा। तो ये मेल पढ़ के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है कि ईबे वापस आएगा। अब ये नहीं पता इनकी पॉलिसीज कैसी होंगी, क्या रहेगा इस पे सेल करने का, क्या रहेगा, जो हमारे अकाउंट्स है, हमारा डेटा है वो सब रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कस्टमर केयर भी नहीं बता रहा है। तो अब सारा का सारा फोकस जो है अमेजोन पे ही है हमारा। तो बाकी आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग भी हमारी तरह ही ईबे पे डिपेंड थे तो आपको भी कुछ ना कुछ नया बनाना पड़ेगा या आपके पास जरूर प्लान बी होगा कुछ। मेरे पास भी प्लान बी सी डी ई एफ सारे थे, ठीक है, बट वो एक प्रॉपर प्लान नहीं थे, वो जस्ट इतना था कि उससे दाल रोटी मिल सकती थी प्लान से, ठीक है ना, और कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अब कुछ बड़ा करने के लिए नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो छोटा सा अपडेट था कि ठीक है, ये मेल पढ़ के थोड़ा सा अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि उससे पहले जो ईबे का अलर्ट आ रहा था उससे तो यही लग रहा था कि पूरा ही बंद हो गया है, अब इससे लग रहा है शायद वापस आएगा। तो आप लोगों के क्या राय है, आप लोगों के क्या कमेंट है इस मेल से रिगार्डिंग या इस अपडेट से रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।